जहानाबाद पुलिस ने लूट के ट्रक के साथ दो लुटेरों को धर दबोचा। पकड़े गए लुटेरों के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लुटेरों का नाम प्रद्युमन कुमार और पिंटू कुमार है। दोनों शातिर लुटेरे लूटे हुए ट्रक को काफी कम कीमत पर दूसरे जिलों में बेच देते थे। एसपी मनीष ने कहा कि दोनों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये दिनांक 21-22 की रात्रि में काको थाना अंतर्गत ग्राम काजीसराय के पास में से एक ट्रक की लूट हो गई थी। उस संदर्भ में केस दर्ज किया गया था। धारा 392 के अंतर्गत पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में कल दिन में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम प्रद्युमन कुमार पिता संजय प्रसाद और दूसरे का नाम पिंटू कुमार है। दोनों ही जहानाबाद नगर थाना जहानाबाद के निवासी हैं। इन पर हम लोग गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस गैंग का इसमें हाथ है और इन लोगों से जब सख्ती से पूछताछ की गई, इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान दिया है, जिसके आधार पर लूटा गया ट्रक को दरभंगा के मब्बी पुलिस स्टेशन अंतर्गत NH-57 से रिकवर कर लिया गया है। दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से इनके दो मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने रिकवर किए हैं और बाकी गैंग मेंबर्स का हमें नाम पता चला है, जिनके लिए उनके अरेस्टिंग के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और इस गैंग का काम इस तरह के लूट पाट की घटनाओं में शामिल होना है। पुलिस को अपराधियों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाते रहना चाहिए ताकि अपराधी कभी सिर न उठा सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।